अवनी और नील का हो रहा है रोमांस, वो भी रोड पर, जनता के बीच, खुली सड़क पर, फूलों की बरसात के साथ पति पत्नी के बीच शुरू हो गया है रोमांस। और सिर्फ रोमांस ही नहीं, दोनों के बीच नोक झोंक भी शुरू हो गई है। बच्चों की तरह दौड़ पकड़ भी खेल रहे हैं। और उनकी इस नोकझोंक को रोमांटिक बनाने के लिए पूरा माहौल भी बनाया गया है। हवाएं चल रही हैं और हाँ, बबल्स भी उड़ाए जा रहे हैं ताकि दोनों को रोमांस का मौका मिल जाए। जी हाँ, आई थिंक ये हस्बैंड वाइफ के बीच की नोकझोंक होनी शुरू हो गई है मेरे और नील के बीच में। और वही कुछ किसी बात पे मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है और मैं उसके पीछे भागती हूँ कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसमें वो गिर जाता है और मैं हंसती हूँ। शादी के पहले जिसे कहते हैं ना, एक टशनबाजी रहती है, टशनबाजी चल रही है, टशनबाजी के साथ साथ प्यार भी चल रहा है। मगर कुछ ही पलों में अंधेरा हो गया और इस अंधेरे में एक सच्चाई भी उजागर हो गई। नील ने अनन्या की सच्चाई उसी के मुंह से उगलवाने के लिए किसी और लड़की को पकड़ लिया अवनी बताकर, तो किसी बेगुनाह को सजा से बचाने के लिए अनन्या ने कबूल कर ही लिया कि मैं ही हूँ अवनी। बेसिकली मुझे पता लग चुका है कि अनन्या ही अवनी है, बट मैं ये प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है। तो क्योंकि नीला आंटी को पता है, नन्नो को पता है कि मुझे पता है कि वो अवनी है। अब इधर कोर्स ऑफ इवेंट्स में उसे ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसे बात निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद ही वो बता दे मुझे कि वो अवनी है। तो यहाँ पे जो आज सीक्वेंस हो रहा है उसमें वो आखिरकार एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अवनी है। मगर कुछ ही पलों में अवनी को पता चल गया कि ये सब नील की एक चाल थी सच्चाई जानने के लिए। अवनी को बहुत गुस्सा आया। शायद यही वजह है कि उसके गुस्से को ठंडा करने मौसम ने बरसात शुरू कर दी। अब इस बरसात में शायद ये दोनों फिर से प्यार में पड़ जाएं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।